में एक फिल्मी कहानी ने हकीकत का रूप ले लिया है। जी हाँ, जब एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में एक जोड़े की शादी कराई गई। इस अनोखी शादी में न सिर्फ दूल्हा दुल्हन के परिवार के लोग मौजूद रहे बल्कि अस्पताल के कर्मी भी मौजूद रहे। लेकिन शादी की खुशियाँ मनाई जाती उससे पहले ही सभी की आंखें नम हो गई। दरअसल आईसीयू में हुए यह अनोखी शादी गया जिले के मजिस्ट्रेट कॉलोनी के सामने स्थित अर्श हॉस्पिटल में कराई गई। बताया गया है कि गुरारू प्रखंड के बाली गांव के निवासी ललन कुमार की पत्नी पूनम कुमारी वर्मा कई दिनों से बीमार थी। सीरियस होने के बाद अर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत गंभीर है और किसी भी समय मौत हो सकती है। ऐसी हालात में मरीज पूनम कुमारी वर्मा ने परिजनों के सामने शर्त रखा कि उनकी बेटी चांदनी कुमारी की शादी उनके जिंदा रहते कर दी जाए। माँ आईसीयू में वेंटिलेटर पर थी, बेटी रो और सिसक रही थी, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए दूल्हे को वरमाला भी डाल रही थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। शादी के बाद बेटी और दामाद ने बेड के पास जाकर आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देने की दो घंटे बाद ही मां की मौत हो गई। यह रुलाने वाला दृश्य गया के एक प्राइवेट अस्पताल का था। लड़की की मां को हार्ट अटैक बीमारी थी। दो दिन पहले शनिवार को ही हालात गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करा गया था। डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटे क्रिटिकल हैं। इसके बाद मां ने बेटी की शादी की इच्छा जताई। पूनम वर्मा की हालात शनिवार सुबह अचानक बिगड़ गई। उनके हालात गंभीर हो गए, अस्पताल में भर्ती कराए गए। डॉक्टर की जांच के बाद परिवार को बताया गया कि अभी सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। परिवार वालों ने यह बात सुमित गौरव के परिवार को बताई, वो भी शादी के लिए राजी हो गए। डॉक्टर भी आईसीयू में शादी करने के लिए मान गए। फिर पंडित बुलाया गया और रविवार को सुबह 8 बजे से शादी की रस्में शुरू हुई। 10 बजे तक शादी संपन्न हुआ। इसके करीब दो घंटे बाद ही 12 बजे के आसपास पूनम देवी का निधन हो गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।